जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का टूर करना है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए यानी T20 और ODI के लिए, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। वो क्या है और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कब पहुंचेगा ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। उसके अलावा T20 फॉर्मेट जो है उसका जो है शेड्यूल वो भी आ गया है और ODI का शेड्यूल जो है वो कब आएगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काइंडली लाइक कर दें। चैनल पर जितने भी बंदे फर्स्ट टाइम है वो क्रिकेट से रिलेटेड तमाम अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी लाजमी से अनेबल कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का टूर है। पाकिस्तान ने जब T20 सीरीज खेल लेनी है उसके बाद जो है इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और ODIs खेलने हैं। ODIs अभी कंफर्म नहीं है कि कितने खेले जाएंगे, 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, उनका क्या स्क्वाड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और शेड्यूल जो है T20 का वो भी अनाउंस हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी अनाउंस हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुकी है, एक दो दिन में इंग्लैंड पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले स्केड्यूल की बात करते हैं। पहले 1 सितंबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज खत्म होगी, उसके फौरन बाद 4 सितंबर को आपको पहला T20 इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। अगर वक्त की बात की जाए तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे मैच स्टार्ट होगा। दूसरा T20 6 तारीख को 6 सितंबर को संडे के दिन खेला जाएगा और ये जो मैच है ये शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा T20 मैच जो है वो भी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 3 T20 है और ODI अभी कंफर्म नहीं है। तीसरा T20 8 सितंबर को रात को 10 बजे खेल। जो ही ODI का ऐलान किया जाएगा और स्केड्यूल ODI के स्केड्यूल का ऐलान किया जाएगा उसमें अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है इस टूर के लिए ODI और T20 के लिए वो भी मैं आपको बताता हूं। स्क्वाड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैप्टन एडम फिंच रहने वाले हैं, उसके बाद सीन एबर्ट है, एश्टन एगर है, एलेक्स कैरी विकेट कीपर है, पैट कमिंस है वाइस कैप्टन है, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड है, मार्नस लबसचेंज है और उसके अलावा नेथन लियोन है, मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, रायली मैड्रिथ है, जॉस फिलिप है, डैनियल सैम्स है, केन रिचर्डसन है, स्टीवन स्मिथ है, मिचेल स्टॉक है, मार्कस टाउनिस है, एंड्रयू टाई है, मैथ्यू वेड है, डेविड वार्नर है और एडम जैम्पा है। तो ये स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का जो कि T20 और ODI सीरीज में आपको इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिलेगा। तो ये जो सीरीज है पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज के बाद फौरन से स्टार्ट हो जानी है। 2-3 दिन का गैप है, उसके बाद आपको पहला T20 देखने को मिलेगा 4 सितंबर को इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और ODI का जो ही ऐलान किया जाएगा ODI के स्केड्यूल का उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो भी जो ही से अनाउंस किया जाएगा मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल वाले आइकन को लाजमी से एनेबल करना होगा ताकि आपको वो तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन जो है वो भी बर वक्त मिल सके। और वीडियो को काइंडली लाइक भी लाजमी से करें और कमेंट में बताएंगे कि आप पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड की T20 सीरीज खत्म होने के बाद ये जो सीरीज खेली जानी है इसमें इंग्लैंड टीम जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।